सुबह नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप सभी लोगों का इस नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो गाइस, काफी टाइम से यहां पर MIUI का लॉन्चर ऐप है उसके अंदर यहां पर बीटा टेस्टिंग में कुछ नए फीचर है उसका टेस्टिंग चल रहा था, पर कुछ डिवाइस के अंदर यहाँ पर रिसेंट मेनू स्टाइल के अंदर प्रॉब्लम था, कुछ डिवाइस के अंदर यहाँ पर आइकॉन के रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो उसी को कंसिडर करते हुए यहाँ पर Xiaomi ने कल रात को एक बिल्कुल ही नया स्टेबल अपडेट है उसको यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर ऐप के अंदर यहाँ पर रिलीज किया है। तो आज की वीडियो में कैसे हम इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट को आप कैसे आपके फोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे और आपके फोन के अंदर अगर रिसेंट मेनू स्टाइल का ऑप्शन नहीं आया तो उसको कैसे आप अनलॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इसका पूरा चेंजेस है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई लंबा चौड़ा यहाँ पर आपको चेंज लुक देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफी टाइम से इसको Xiaomi टेस्ट कर रहा था। तो भाई फाइनली अभी एक स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर बात करें भाई इसके अपडेट के वर्जन की, तो यहाँ पर 4.22 यहाँ पर आपको लॉन्चर का एप अपडेट देखने को मिलता है। ये गाइस ग्लोबल और इंडियन दोनों ही स्मार्टफोन पर वर्क करेगा, तो आपके पास कोई भी अपडेट इंस्टॉल है तो आप उसके ऊपर इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पर गाइस बात करें भाई फिक्सेस की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे बग से उसको फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते भाई टोटल यहाँ पर 9 आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एंड्रॉइड 11 वाले डिवाइस है उसके अंदर भी यहाँ पर रिसेंट मेनू स्टाइल के अंदर प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको भी अभी कंप्लीटली फिक्स कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको स्टेबल अपडेट यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप इसको डेली यूज के लिए यूज करना चाहते हैं तो इस लॉन्चर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मली आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको यह बता देता हूं कि कैसे आप इसको अपडेट करेंगे। सो इसके लिए गाइस आपको सिंपल यहां पर सेटिंग ओपन करना है, सिस्टम ऐप अपडेटर पर आके एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको यहां पर कोई भी अपडेट नहीं मिला है तो गाइस आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका APK फाइल है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाके आपको इसका ऐप है उसको डाउनलोड करना है और सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। इसके लिए आपको रूट वगैरह नहीं करना है, आपके पास कोई भी Xiaomi का फोन है उसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। यहां पर गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो नए फीचर आए जैसे कि रिसेंट मेनू स्टाइल का ऑप्शन होगा वो सिर्फ MIUI 12 डिवाइसेस पर ही वर्क करेगा। तो अगर आपके पास MIUI 12 का अपडेट अभी तक नहीं आया है तो भाई आपको ये फीचर अभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई अभी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का यहाँ पर ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। साथ में यहाँ पर आपको ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ आपको नए अपडेट के साथ देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको इस अपडेट को इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपके सवाल है तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।